अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है बांग्लादेश की नेवी से रिलेटेड। बांग्लादेश की तीनों फोर्सेस जो हैं वो नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और अपने आप को दिन ब दिन जो है वो ग्रूम करती रहती हैं। बहुत सारी जो है इनकी प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती हैं और बहुत सारे नए वेपन्स जो हैं वो ऐड करते रहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सब मेरीन के हवाले से कि बांग्लादेश की नेवी जो है उसको थोड़ा सा कमज़ोर समझा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की नेवी जो है बाकी तमाम नेवी के मुकाबले में थोड़ी एंड में जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई और उनके पास सब मेरीन्स भी थोड़ी कम है। लेकिन अब जो है वो हुकूमत ने फैसला किया है कि बांग्लादेश की जो नेवी है उसको भी मजबूत बनाया जाए और इसमें जो मुतअद्दिद वेपन्स हैं वो ऐड किए जाएँ। तो इसी से रिलेटेड आज वीडियो लेके आई हूँ। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। Let's start the video. 3, 2, 1, start. Assalamualaikum viewers. আগামীকাল 20 মার্চ কক্সবাজারের পেকুয়ায় নৌবাহিনীর সাবমেরিন ঘাটে বানৌজা শেখ হাসিনার কমিশনিং অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে বিটিসি এর মাধ্যমে উপস্থিত থাকবেন। চীনের কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের নিজেদের অর্থায়নে দেশের প্রথম এই সাবমেরিন ঘাটটি নির্মাণ হয়েছে। উদ্বোধন উপলক্ষে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিনগুলো তাদের নতুন ঠিকানায় এসে পৌঁছেছে। সাবমেরিন পরিচালনার জন্য সাবমেরিন ঘাটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এই ঘাটি থেকে নিয়মিত সাবমেরিন পরিচালনার পাশাপাশি মেইনটেনেন্স করার সুবিধা থাকবে, যা নৌবাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতাকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করবে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন ঘাটি নির্মাণে বাজেট ধরা হয়েছে $1 বিলিয়নেরও বেশি, যা এই উপমহাদেশের মধ্যে অন্যতম সাবমেরিন ঘাটি হিসেবে রূপ প্রদান করবে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাবমেরিন দুটি কক্সবাজারের অস্থায়ী ঘাটি থেকে পরিচালিত হচ্ছে। এই সাবমেরিন দুটি কেনার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য একটি আধুনিক সাবমেরিন ঘাটি নির্মাণের জন্য চীনকে দায়িত্ব দেয় বাংলাদেশ। এছাড়া পটুয়াখালীতে একটি নতুন নৌঘাটির নির্মাণ কাজ চলছে, যেটা হবে উপমহাদেশের সবচাইতে বড় নৌঘাটি। সেখানেও সাবমেরিন রাখার ব্যবস্থা থাকছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় নির্মিত পায়রা সমুদ্রবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এই নেভাল ঘাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পিটিআই কক্সবাজারের পেকুয়ায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম ডেডিকেটেড সাবমেরিন বেস বিএনএস শেখ হাসিনায় নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পেয়েছিল। পুরো প্রকল্পের আওতায় এবিএজের সাবমেরিনের জন্য বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি নির্মাণ করা হবে, যার মধ্যে একাধিক সাবমেরিন, ব্যারাক, অ্যামুনেশন ডিপো, মেইনটেনেন্স ডক ও সাধারণ ঘাট সহ বিভিন্ন সুবিধা থাকবে। বেসটিতে একসাথে প্রায় 8 থেকে 12টি সাবমেরিন একসাথে ভিড়তে পারবে আর এই সাবমেরিন বেসটি হবে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ সাবমেরিন বেস। 2030 সালের আগে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রায় 6 থেকে 8টি সাবমেরিন সার্ভিসে রাখার প্ল্যান রয়েছে আর সেই চিন্তাভাবনা থেকেই এই সাবমেরিন বেসটি তৈরি করা হয়েছে। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि शेख हसीना जो है वो खुद गई हुई थी विज़िट करने और बहुत अच्छी बात है, शेख हसीना जो है अपने मुल्क के जो है आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स हो गई, सब अपनी फोर्सेस की हौसला अफजाई करती रहती हैं और वहाँ पे खुद शिरकत करके जो चीज़ें हैं उनका मुआयना करती हैं। तो बांग्लादेश की जो सबमरीन्स हैं वो अभी उनके पास 2 ही और कहते हैं कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह 2 मज़ीद जो हैं वो ऐड की जाएंगी। इस हवाले से जो है बातचीत चल रही है और आई गेस एग्रीमेंट भी हो चुका है, तो बहुत जल्द जो है वो 2 मज़ीद सबमरीन जो है वो नेवी में ऐड कर दी जाएंगी, जिससे बांग्लादेश की जो नेवी है वो तो कुछ मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एज आई बिलीव के जो जंगें हैं वो हथियारों से और वेपन से नहीं लड़ी जाती, वो जज्बे से लड़ी जाती हैं और बांग्लादेश के जवान जो है अपने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे कभी। और तो जो 2 मज़ीद सबमरीन्स हैं उसके हवाले से चाइना के साथ बातचीत चल रही है बांग्लादेश की, और चाइना जो है वो बांग्लादेश को सबमरीन जो है वो देगा। बांग्लादेश की जो नेवी है उसमें बहुत जल्द ये 2 सबमरीन्स ऐड हो जाएंगी। तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। इसके अलावा कमेंट्स में आया करें और ज़रूर बताया करें कि किस टाइप की वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं, ताकि मैं उसी से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।